माया नगरी एक बार फिर हुई पानी पानी। भारी बारिश ने मचाई पूरे राज्य में तबाही। मुंबई में देर रात से हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर से अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। जहां शहर के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, तो वहीं सड़कों पर शाम से ट्रैफिक की रफ्तार धीमे नजर आ रही है। ऐसे में मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली यहां की लोकल ट्रेनों की रफ्तार भी थमती नजर आई। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले और दो दिन के लिए मुंबई और उसके पड़ोसी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते फ्लाइट सेवाओं को भी डाइवर्ट करना पड़ा है। बीएमसी ने भी मुंबई के लोगों से अनुरोध की जरूरत न होने पर घर से बाहर न निकलें। लेकिन इसके साथ ही बीएमसी की लापरवाही भी सामने आई है। मानसून के मौसम में बारिश के कारण यूं तो देश भर में हादसे होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में लौटते मानसून की लगभग 5 घंटे हुई इस बारिश ने 4 लोगों की जान ले ली। साथ ही अंधेरी के मेनहोल में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे के बाद बीएमसी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बीएमसी पर आरोप है कि जिसका बजट करोड़ों में है, वहां की व्यवस्था कैसे लोगों की जान ले रही है। मुंबई में एक बार फिर भारी बारिश का दौर जारी हो गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कुछ ही घंटों की बारिश में जल नगरी बन चुकी है। इस मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बुरा हाल है। निचले इलाकों में जल भराव की समस्या बढ़ गई है, जिसके कारण कई सड़कें जलमग्न हो गयी। जल भराव के कारण सड़कों पर वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, जिससे लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बारिश और तेज हवा के चलते कई फ्लाइटों को भी डाइवर्ट किया गया है। इससे मुंबई हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट, इंडिगो और विस्तारा की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हवाई सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों ने मौसम के बदले मिजाज के प्रभाव को हुई उड़ानों के नए समय की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। तो वहीं मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली उपनगरीय रेल सेवाएं भी बारिश के कारण देरी से चल रही हैं। भारी बारिश के चलते कुरला, भाड़ूप और विक्रोली में रेल पटरियां पानी में डूब गई हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से लोग अपने घरों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस मूसलाधार बारिश के कारण ट्रेन नेटवर्क काफी हद तक प्रभावित नजर आया। स्टेशनों पर मुंबईकर को ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ा है। तो वहीं शहर की पुलिस लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का कंट्रोल रूम से जायजा ले रही है। इस बीच मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर चेतावनी जारी की है कि आईएमडी ने 26 सितंबर की सुबह तक मुंबई और उपनगरों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सभी मुंबई वासियों से अनुरोध है कि जब तक जरूरी न हो घर के अंदर ही रहें, कृपया सुरक्षित रहें, किसी भी आपात की स्थिति के लिए 100 डायल करें। इसके साथ ही मौसम कार्यालय ने मुंबई और पड़ोसी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। इससे पहले आईएमडी ने कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते मुंबई सहित आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में कहा कि लोग अपने घरों में रहें और जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। इसके साथ ही ब्रह्मन मुंबई नगर निगम प्रशासन यानी बीएमसी ने भी मुंबई वासियों से अनुरोध करते हुए कहा है कि ब्रह्मन मुंबई नगर निगम प्रशासन मुंबईकरों से अनुरोध करता है कि वो जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। लेकिन इसी बीच बीएमसी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो उस पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। दरअसल भारी बारिश के कारण अंधेरी के खुले मेन हॉल में गिरने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। महिला का नाम विमल अप्पाशा गायकवाड़ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला काम से घर जा रही थी, इसी दौरान तेज बारिश हो रही थी और रास्ते में पानी भरा था। उसी सड़क के बीच में ओपन गटर था और महिला अचानक नाले में गिर गई, जिसके बाद महिला 100 मीटर दूर बहती रही। घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंची और महिला की तलाश शुरू की, जिसमें 1 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद देर रात को महिला का शव मिला। ऐसी घटनाएं मुंबई में पहले भी हो चुकी हैं। ऐसे में एक बार फिर से बीएमसी की लापरवाही सामने आने से मुंबई महानगर पालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट है, तो मेन होल का ढक्कन आखिर क्यों खुला छोड़ा गया? अगर किसी कारणवश मेन हॉल का ढक्कन खुला रह भी गया, तो कोई साइन बोर्ड वहां पर क्यों नहीं लगाया गया? और अगर साफ सफाई के लिए मेन हॉल खोला गया था, तो फिर इसे फौरन बंद क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर हर बार बारिश के मौसम में बीएमसी का सिस्टम लाचार क्यों हो जाता है, और बार बार हो रहे हादसों से क्या बीएमसी कोई सबक नहीं लेता है? फिलहाल इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।